अल्लामा अहमद अज़म जिदी साहब जब कराची की शख्सियत हैं, हम उनसे तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह के साथ होने वाले मुआहदे और जो आज ये जमे गफीर एक मार्च इन्होंने नाम से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाला है, इसके हवाले से गुफ्तगु करेंगे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अल्लामा साहब, ये एक मुआहदे की आवाज़ सुनाई दे रही कि एक मंगल के रोज़ जो है वो मुआहदा होने वाला है, तो क्या आप समझते हैं कि ये दोबारा हुकूमत इस तरह से बदअहदी और बदशिकनी नहीं करेगी और आप ये मुआहदा कर लेंगे दोबारा? इंशाल्लाह ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हुजूर के गुलाम आज भी पूरे मुल्क के अंदर मौजूद हैं, तो अगर ये बदअहदी करेगी तो इंशाल्लाह इनको वादा पूरा करवाना हुजूर के गुलाम जानते हैं। सही, मज़हबी उमूर और वज़ीर दाखला जो कि पहले ही आपसे एक मुआहदा कर चुके हैं और दोबारा मुआहदा करने जा रहे हैं, तो आप समझते हैं कि सात भाई के आते ही जो है वो मुआहदे की पासदारी हो जाएगी? इंशाल्लाह शूरा बाहर आएगी, अमीर मोहतरम बाहर आएंगे, फिर वही ऐलान करेंगे कि आगे का लाया अमल किया है इंशाल्लाह मंगल वाले दिन। कराची में आपका लाया अमल क्या है अगला? कराची में जो मरकज लाया अमल देगा वही हमारा लाया अमल होगा इंशाल्लाह। तो क्या आप अभी यहाँ पे बैठेंगे या यहाँ से पुरअमन तौर पे मुंतशिर हो जाएंगे? हम इंशाल्लाह इख्तिताम पर मैं खुद लाया अमल का ऐलान करूँगा। जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया। हर आँख का तारा भी जब नाम मुहम्मद है, हर आँख का तारा भी जब नाम मुहम्मद है।